वो जो मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। पीएम ने ये कविता उस मौके पर पढ़ी। मौका था दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोकतंत्र के नेताओं के मिलने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच साझा कर संदेशा दिया कि भारत अमेरिका के सपने साझा हैं, दोनों देशों की मित्रता नई ऊंचाई पर है। आज दो बड़े लोकतंत्र की दोस्ती का दिन है। पूरी दुनिया नई हिस्ट्री और नई केमिस्ट्री बनते देख रही है। साथ ही मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जिससे खुद अपना देश नहीं संभल रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत और अमेरिका के संबंधों का लाभ क्या मिलेगा? अमेरिका में होने वाले चुनाव में ट्रंप को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है क्या? खास बात यह रही कि पीएम मोदी की हर बात पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और पीएम मोदी का समर्थन किया, जिससे साफ तौर पर दिख रहा है कि बड़ी संख्या में अमेरिका में मौजूद भारतवंशी ट्रंप अगेन पर अपनी मोहर लगा सकते हैं और अब की बार ट्रंप सरकार बना सकते हैं। तो लोकतंत्र के जब दो सबसे ताकतवर नेता सामने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनता के जहन में कुछ सवाल होते हैं। क्या कुछ सवाल हो सकते हैं आम जनता के जहन में? जल्दी से दिखाते हैं उन सवालों को। तो भारत और अमेरिका की दोस्ती से डर गया है क्या पाकिस्तान? वीजा नियमों में क्या अमेरिका बरतेगा अब ढिलाई? सवाल यह भी है कि मोदी की लोकप्रियता का ट्रंप को क्या फायदा मिलेगा? भारतवंशी बनाएंगे एक बार फिर से ट्रंप सरकार क्या? मोदी और ट्रंप देंगे आतंक को मुंह तोड़ जवाब? तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर शख्स के जहन में है। तो वीजा नियमों में क्या अमेरिका बरतेगा ढिलाई? लेकिन इस दौरे को लेकर के अगर बात करें तो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तो पीएम ने जब तो सबसे ताकतवर लोकतंत्र गांव के मिलने का मौका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच साझा कर यह संदेश दिया कि भारत अमेरिका के सपने साझा हैं, दोनों देशों की मित्रता नई ऊंचाई पर है, आज दो बड़े लोकतंत्र की दोस्ती का दिन है। तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं, फिर बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं, सवालों और जवाबों के सिलसिले को लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता मुईद अहमद जी हैं। मुईद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक पवन धवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज राजनीतिक विश्लेषक से एक सवाल करूंगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच साझा कर यह संदेशा दिया कि भारत अमेरिका के सपने साझा हैं और दोनों देशों की मित्रता नई ऊंचाई पर है, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं पवन जी? देखिए, ये कल जो रात में इवेंट हुआ है और जो हम लोगों ने देखा और जिस पे आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसकी नींव 2014 से पड़ी हुई है और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति है ये उसका परिणाम है। आगे आने वाले समय में मुझको लगता है कि जो कल हुआ है उससे और बेहतर चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जो मोदी ने अपना पिछले 5 साल में जो अपनी कार्यशैली दिखाई है, खासतौर से विदेश नीति के उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि उनका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है 1-to-1 कनेक्ट विद द लीडर ऑफ द अदर कंट्री इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। उस नजर से हम देखते हैं कि खासतौर से अमेरिका में 2014 से पहले की अगर जब हम बात करें तो शायद वहां पे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और भारत
इन चीजों की कोई कोई अहमियत भी नहीं थी, लेकिन आज आज शायद ये वहां के सुर्खियों में सबसे फर्स्ट आइटम्स हैं। आज ट्रंप जी ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक मंच साझा किया, जिसको कि वो खुद अपने एक इलेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो वहां पे ये कार्यक्रम किया, वो अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने किया है। तो मोटे तौर पे ये एक चीज निकल के आ रही है कि आज मोदी ने जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा रखा है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और अभी तो ये सेकेंड इनिंग का पहला साल भी चल ही रहा है, अभी बहुत समय बाकी है और हमें देखना होगा आगे आगे और क्या। मोहित जी, सवाल यही है कि जब लगातार, आपने खुद भी देखा होगा कि रात से सब लोगों की जो निगाहें थी वो टेलीविजन पर लगी हुई थी और किस तरीके से जो भारत का गौरव बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष को फिर भी ये चीजें रास नहीं आ रही है, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष लगातार निशाना साध नहीं रहा है, विपक्ष होता है वो कमी को बताता है जी। अगर आप कमी को बताने वाले को निशाना साधना बता रहे हैं, दुश्मनी करना बता रहे हैं, या विरोध फर्द से का विरोध बता रहे हैं, अपोजिशन फर्द से का अपोजिशन, तो ये बात नहीं है। जो चीज विपक्ष को खटकती है, देखिए हम आपके घर जाएंगे तो आप होस्ट होंगे, मैं मेहमान होऊंगा, ना कि आप मेहमान हो जाए और मैं आपका स्वागत करूँ आपके घर जा करके, ये ऐसे ही है जी। एक अरेंज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने विश्व भर में पहुंच करके अपने लोगों को, इंडियन वासी को, एनआरआईस को इकट्ठा करके कोई ना कोई फंक्शन करते चले आ रहे हैं जी। 2014 से करते चले आ रहे हैं, और अमेरिका में गुजरात के लोग ज्यादा बिजनेस वाले हैं, वो वहां करते हैं। अपने देश का गौरव बढ़ाया ना, इस बात पर आपको फक्र है कि नहीं बताइए? गौरव बढ़े तो इस बात पर फक्र है, मगर वहां पहुंच करके और ट्रंप आवे एक डेढ़ घंटा एक घंटा लेट और खुद मोदी स्वागत करें और उस मीटिंग को मोदी जी कंडक्ट करें और चीफ गेस्ट हो जाएं ट्रंप, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। ये चीज को मैं उस हिसाब से नहीं समझ पा रहा हूं। ओपी जी, जब पूरे देश इस समय, कल जब देखा था पूरे देश की निगाहें टेलीविजन पर थी, जब पूरे तरीके से जब मोदी का दौरा था, संबोधित कर रहे थे और भारतीय धुन सुनाई दे रही थी, लेकिन विपक्ष को उसके बाद भी आखिर ये चीजें नागवार गुजर रही हैं। देखिए, मैं विपक्ष के इस बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कल जो है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एनआरजी स्टेडियम में जो कल हुआ, उसको पूरे विश्व ने देखा, भारत ही नहीं पूरे विश्व उसका गवाह बना। और हम लोगों को, पूरे भारतवासियों के 130 करोड़ भारतीयों को इतना कल गर्व हुआ, सीना चौड़ा हुआ। और खुद ह्यूस्टन शहर में, जहां भारी संख्या में अप्रवासी भारतीय रहते हैं, वो कितना उत्साहित थे, उस उत्साह को देख करके हर भारतीय खुश हो रहा था। तो कल जो अमेरिका और भारत की दोस्ती जो हुई, देखिए ट्रंप ने खुद कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती पर भरोसा किया सकता है। उसने, ट्रंप ने खुद कहा कि भारत बहुत विश्व में तेजी से विकास करने वाला देश है, और उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत जो है आर्थिक रूप से और हर दृष्टिकोण से, उन्होंने यह भी कहा कि हमें पता है कि 30 करोड़ भारतीयों को जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर वो आए, मतलब जो तारीफ हुई। अब लेकिन ओपी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं, मैं क्या पूरा देश समझता है कि विपक्ष इन्हीं खामियों के कारण जो है वो दिन पर दिन जो है मटिया मेट होता जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम जिससे पूरे विश्व में भारत का सीना ऊंचा हुआ है, हर भारतीय अपने को गर्व महसूस कर रहा है, कोई विपक्षी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर न देखकर संकीर्ण विचार। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का प्रचार करने के लिए सिर्फ गए मोदी, और प्रचार अच्छा किया वहां पर जाकर के। जो जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा वो बेहतर जानते हैं कि ट्रंप का प्रचार करने गए थे कि ट्रंप भारत का प्रचार कर रहे थे जी। ये दोनों चीजों को तो जो देखने वाले हैं वो समझेंगे ना, या भारत का आम नागरिक समझेगा? विपक्ष क्या लिए है, अरे एयर स्ट्राइक हुई तो भी विरोध, वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो विरोध,
चलिए कोई भी बात हुई विपक्ष तो अपनी अपनी बात रखेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष को साथ लेकर चलना, उसकी बात को सुनना। और इस बात को खुद देश के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं बड़े मंचों से कि अगर विपक्ष में एक भी शख्स की आवाज है तो उसकी आवाज अहम मायने रखती है। अजय जी, आपने सबकी बात सुनी, मेरा सवाल आपसे यह है, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इसीलिए मीडिया से रिलेटेड, कल से जब हम इस दौरे को लगातार देख रहे हैं तो कुछ न्यूज चैनल्स वो बराबर जो 50,000 जो हिंदुस्तानी हैं वो जश्न दिखा रहे थे, जोश दिखा रहे थे, और मगर कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे थे जो 10-12 लोगों का विरोध था वो दिखा रहे थे, तो ये कैसी मीडिया है सर? ये अब मीडिया कैसी है इसकी भी चर्चा करेंगे। मीडिया आज ऐसी ही है कि हम अगर नमक रोटी भी खाते हैं तो वो भी FIR हो जाती, वो जानने वाली बात है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कल का जो घटनाक्रम या जो प्रायोजित उत्सव हुआ उस पर एक चीज तो आप मानेंगे कि ट्रंप पर मोदी ने अपना जो ट्रंप का इक्का निकाल करके किया उससे विश्व में कहीं ना कहीं उनकी बाजी उन्होंने समेट ली अपना ट्रंप का इक्का लगा करके। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ट्रंप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ये आप मान करके चलिए, वो अपना नफा नुकसान देखते हैं। और मोदी जो जंग जाहिर है कि वो प्रायोजन करने में, देखिए पवन जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि वो जो प्रायोजित करने के लिए उन्होंने जो पूरा जीता, और उन्होंने कहा 50,000 की जो अप्रवासी भारतीयों के भीड़ है आने वाले चुनाव में तुम्हारी मदद करेगी, और उसी में उन्होंने कहा कि चूंकि आप हमारी मदद करते हैं तो आप व्यवसायी हैं निश्चित रूप से, तो जब हम आपकी मदद करने के आए, देखिए वहां अप्रवासी भारतीय जो है वो राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। और मोदी ने मौका देखा और इस बहाने उन्होंने जब ट्रंप पर अपना ट्रंप लगा करके और वहीं से पाकिस्तान के वजीरे आला को भी एक नसीहत दे दी, देखिए संयोग उसी दिन एक उनकी भी रेड कारपेट होती है और उसी दिन मोदी की भी रेड कारपेट होती है, दोनों का सामंजस्य है। लेकिन एक चीज है, कुछ भी हो जो इससे पहले नहीं होता था कि भारत के तमाम प्रधानमंत्री रह गए, औपचारिक बातचीत होती थी चले आते, लेकिन कोई बड़ा इवेंट्स ऐसा इवेंट्स कि पूरी दुनिया में वो दिखाया गया, कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर, और मोदी है तो मुमकिन एक चीज है उनके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि किस तरीके से अपना प्रभाव दिखा करके और मीडिया पर छाने का जो उनका एक है उसमें वो पूरी तरह सफल रहे हैं। और एक बात उन्होंने और कह दी, हालांकि ये कहा जाएगा कि हमारा जो संविधान है या हमारा देश है वो ये कहता है कि हम किसी के राजनीतिक, उसमें हम राजनयिक संबंध तो बनाएंगे लेकिन किसी देश के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब चूंकि ट्रंप से उन्होंने कह दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, और ट्रंप ने भी कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो सवाल ही है कि वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है अब वो है उसके लिए मोदी। लेकिन इस पूरी कवायद की पवन जी अगर बात करें, जब अब हम दौरे से आगे की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, कूटनीतिक संबंधों की बात करते हैं, बात आतंकवाद के खात्मे करते हैं, तो सबसे ज्यादा जब तो हाथ मिल रहे थे तो कहीं दिल भी चल रहे थे, और सीधा तौर पर निशाना ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के PM इमरान खान को लेकर के। इमरान खान को इस दोस्ती से, इस पूरे इवेंट से कितना बड़ा सबक मिला है? देखिए मुझको लगता है आलोक जी, अब अगर आप पाकिस्तान और इमरान की बात भी करेंगे तो मुझको लगता है हम आप अपना सब लोग समय जाया करेंगे। हमको डिस्कस यहाँ पे ये करना है कि जो ये 7 दिन का मोदी जी का प्रोग्राम है, उनकी जो विजिट है, उससे आने वाले समय में भारत में क्या उपलब्धियां मिलेंगी, भारत को क्या मिलेगा और हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा पहले ही दिन जो सूचना आई कि मोदी जी ने तकरीबन 50-60 बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की, जो ये भी चर्चा में आया कि जो चाइना में तमाम मैन्युफैक्चरिंग हब्स US के इस्टेब्लिश्ड हैं उनको इंडिया में लाने की बात की जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बेटर टैक्सेशन रिजीम हो चुका है, साथ साथ
ट्रंप जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो खुद इंडिया को एक मार्केट देख रहे हैं, एक डिफेंस डील्स में और कम्युनिकेशंस में, उसके साथ साथ इस स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने भारत के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। उसके साथ साथ आप इन सब के बाद आप ये देखिए कि जो मुख्य चीज़ निकल के आई है, जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि ये मोदी का खुद प्रायोजित कार्यक्रम था, अप्रवासी भारतीय तो 2014 से पहले भी वहां पे थे जी। उनकी क्या आइडेंटिटी थी, उनकी क्या से थी, उनका क्या रिकॉग्निशन था, बिल्कुल क्या अपनी पहचान थी, बड़ी बड़ी बात है। इसका जवाब मुझे लगता है मोहित जी बेहतर दे सकते हैं। मोहित जी जी देवर जस्ट एज एन इंडिविजुअल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको संगठित किया, उनकी ताकत का उनको एहसास दिलाया और उनको अपनी हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल किया। आज वो अप्रवासी भारतीय होने का बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इसके पहले अगर नहीं हुआ, अगर इतना बड़े पैमाने, कई बार कोशिशें हुई, ऐसा नहीं 2014 के पहले भी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर हुआ मोहित जी, तो पहले मिर्ची क्यों लग रही है जी? ये मिर्ची क्यों लगेगी जी? मैं अजय भाई ने अभी एक बात कही कि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक देश का प्रधानमंत्री जाकर के दूसरे देश में राजनीतिक माहौल बनावे और चुनावी मोड पे पहुंच जाए। तो चुनावी दृष्टिकोण से मोदी जी 2014 से जब प्रधानमंत्री बने, तब से वो यहाँ से भी लोग जाते थे उस इंडिया से भी कि जाकर के उनकी मीटिंग अरेंज करते थे। जो भव्य पैमाने पर, जो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुआ, वो उनका पब्लिसिटी का ढंग है, वो तो दुनिया मानती है, सब मानते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छी पब्लिसिटी करते हैं। और एक चीज और, फाउंडेशन थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ मना करा था जी, हो तो देश के लिए रही है ना, नहीं तो क्या उस कार्यक्रम में क्या कोई बिजनेस का सौदा हुआ, कोई डिफेंस की घोषणा की ट्रंप ने, कोई बिजनेस तो का कोई किस तरह से किया, 7 दिन की विजिट कंक्लूड होने दीजिए, आपको सब ब्यौरा मिल जाएगा। क्या क्या मिला है अभी? तो अभी जो तक जो हुआ है उसमें ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप भी कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये तो ये इस तरह का भाषण संविधान के नीतियों के और उच्च मारल मानकों के अनुसार नहीं है जी। ओपी जी, क्या वाकई में लगता है आपको कि मानकों के अनुरूप नहीं था भाषण ये सारा? हाँ। दो बातें, जब अपना देश खुद मजबूत हो और देश का नेतृत्व मजबूत हो तो अमेरिका नहीं, केवल अमेरिका नहीं मेजबानी हमारी जो है वो स्वागत कर रहा है, विश्व का लगभग हर देश हमारा स्वागत कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, केवल वहां दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भाषण नहीं हुआ, उसको ध्यान से देखिए तो ट्रंप ने भी ऐलान किया है और मोदी जी ने भी ऐलान किया है कि हमारा व्यापारिक और दूसरा जो है रक्षा सौदे पर, उन्होंने दोनों ने व्यापारिक और रक्षा सौदे का भी ऐलान किया। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी समस्या, सुनिए मोदी जी, तो आप देखिए ऐसा है कि आपकी बात और पाकिस्तान की बात लगभग बराबर है, इसलिए देश के लोग बहुत उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे हंसी आती है, अरे कांग्रेस, अरे कभी तो देश के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, एक तो 130 करोड़ देश की जनता के मिजाज को पहचान लेते। अरे आप ये बताओ, इतना चुनाव हार गए, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसको समुद्र कहा जाता था, आज तालाब की हैसियत नहीं है, आप खोज रहे हो। पवन जी ने कितनी ऊंची बात कही, हर भारतीय ये इस बात को महसूस कर रहा कि 2014 के पहले जब यहाँ के, जब हमारे भारत देश के जाते थे नेता और मंत्री, तो उनके कपड़े उतरवा करके उनकी सुरक्षा की जांच होती थी। ये तौहीन ही थी भारत की, वो भारत की वही तौहीन थी। चलिए, तस्वीर बदली, ठीक है, अब उसी अमेरिका में मोदी हो रहा था। चलिए सर, ओपी जी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 370 को लेकर के वहां पर जिक्र किया, ये भी विपक्ष को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है, कि जबकि खुद प्रधानमंत्री जी इस चीज को कहते हैं कि द्विपक्षीय मामला है, दोनों देशों के बीच का मामला, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्यों उठाया गया? अप्रवासी भारतीयों के बीच का मतलब हो कि हमारे भारत देश के लोग हैं जी, और उसमें मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपने देश के नागरिकों के लिए जो संदेश जा रहा है वो अंतरराष्ट्रीय मंच से जा रहा है ना जी।
बारे में क्या काम किया ये भी बताया। रही बात धारा 370 35 से उठाना कोई पाप तो है नहीं, इसलिए उठाया सर, सुनिए इसलिए उठाया कि आज उसी को लेकर के आतंकवाद जो है वो पूरा जो है अपने सीना ताने हुए खड़ा है सीमा पर, उसकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि भारत की तरफ ताक दे। और देखिए ट्रंप ने पूरे विश्व को यह मैसेज दिया कि ये इस्लामिक जो आतंकवाद है कट्टरवाद है इसका भारत और अमेरिका जम करके एक साथ सामना करेगा। उन्होंने 370 का भी हवाला दिया कि 370 और 35 ए पर पाकिस्तान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर झूठी दलीलें पेश कर रहा है। रुक जाए, इस सवाल के जवाब में अजय जी से जरा ले लेता हूं। अजय जी, सवाल ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे पहले तब साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र आया था कि 370 का जिक्र वहां पर नहीं होगा क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन के कुछ मानक हैं, तो इसलिए 370 का जिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां पर जब अपने लोग हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो कोई चीज हो तब तो एक अलग बात है, लेकिन जहां अपने लोग हैं अपने प्रवासी भारतीय हैं और उनके अंदर ये उत्साह है। देखिए जैसे ही उन्होंने बात शुरू ही की थी कि पूरी जितना वहां पर अप्रवासी भारतीय था खुशी से झूम उठा और उसने एक बात कही कि मैं जो कहने जा रहा हूं आप पहले से ही सब, ये मोदी जी के शब्द हैं। तो मेरा ये कहना कि अपनों के बीच में जब बैठते हैं तो अपनी बातें होती, और सबसे बड़ी बात ये देखिए पहली बार ये हुआ हिंदुस्तान के और भी प्रधानमंत्री रहे वो गए जाकर के अपनी बात करते थे समझौता वार्ता करते थे, लेकिन इससे अगर एक चीज़ चलिए देखिए मैं राजनीतिक नहीं हूँ लेकिन एक बात तो रही वहाँ जो अप्रवासीय भारतीय हैं उनका तो मारल बढ़ा, उनका हौसला बढ़ा कि देश का हमारे देश का चलिए तो हमारे देश का एक प्रधानमंत्री आके हमें प्रोत्साहित किया। और ऐसा ही नहीं है, आप सामान्य चर्चा है आप जा रहे हो और आप कहीं भी हैं और आपके यहाँ चैनल पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाएं आप खड़े हो जाएं तो आपके साथ के लोग जितने हैं उनको गर्व होगा कि भाई आलोक जी इनके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े। ठीक उसी तरीके से जब वहाँ पर आप समझिए अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो ट्रंप को भी ये लगता है हमारे अप्रवासीय भारतीयों को लगेगा कि अब ट्रंप भी हमारी इज्जत करने लगे। देखिए वो अप्रवासीय भारतीयों को जो स्थिति वहाँ है ठीक है वो सही है, उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, वो निर्वाचित भी होते हैं उनको वोट देने का भी अधिकार है, लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री उस देश के मुखिया के साथ खड़ा होता है तो मॉरल जो है हमारे भारतीयों को बढ़ता और वो बढ़ा और बिल्कुल हौसला अफजाई बढ़ी अगर उन भारतवंशियों की अगर हौसला अफजाई बढ़ी तो इधर अगर बात करें तो ट्रंप का वोट बैंक भी बढ़ा। सीधा सा जवाब देखिए, एक तो इसको आप अमेरिका की दृष्टि से अगर आप देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट सपोज टू बी अ हाई पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट जिसको बहुत क्लोज एक्सेस होती है, उसकी पब्लिक इंटरफेस नहीं होती है, बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में यूएस का प्रेसिडेंट रहता है। इन द पास्ट वी हैव नेवर सीन दैट एनी यूएस प्रेसिडेंट इज कमिंग ओपनली इन अ पब्लिक मीटिंग, राइट? बट यहां पे 2 घंटे के लिए वो आए, वो मोदी जी के 50 मिनट के भाषण में वो लगातार वहां बैठे रहे। लोग कहते हमारे साथी ने बोला कि मोदी साहब उनको रिसीव कर रहे थे, नहीं नहीं ठीक है यूएस का प्रेसिडेंट है आप इस बात को मानिए, यूएस का शक्तिशाली देश के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट है जो कि आज तक किसी भी पब्लिक फंक्शन में अपने यहाँ के पब्लिक फंक्शन में नहीं गया, पहली चीज। अब बात हम करते हैं कश्मीर के मुद्दे की। मुझको लगता है कल जैसे पाकिस्तान के विषय में जो आपने बात छेड़ी तो मैंने कहा कि अब उस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है, पाकिस्तान अपनी मट्टी और जमीन कहां पे है वो अपने आप खुद तलाश करे। कश्मीर की जो बात हुई मुझको लगता है कि कल रात जो कश्मीर के विषय में मोदी जी और ट्रंप ने जो बात कही है उससे मोदी की नीतियों का विश्व स्तर पे स्टैंपिंग लग गई इस फंक्शन के माध्यम से, और पूरे विश्व ने देखा कि मोदी
ने जो डिसीजन लिया कश्मीर के बारे में उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस है, उसकी अब इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है जी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझको लगता है मोदी जी ने कश्मीर और पाकिस्तान दोनों मुद्दों का पूर्णतया सफाया कर दिया है जी। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में नई हिस्ट्री और नई केमिस्ट्री बनते देखी जा रही है। साथ ही मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ लोगों को भी दिक्कत होगी। कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी बहस है, थोड़ा आगे की बात करते हैं। मैं अजय जी के पास आ रहा हूं। अजय जी, अमेरिका में होने वाले चुनाव में अब ट्रंप को सीधे तौर पर क्या फायदा मिल सकता है? निश्चित रूप से देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर के जब अपने समाज के या अपने अप्रवासी भारतीयों को ये कह सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार जी, तो निश्चित रूप से कि हमारे प्रधानमंत्री की बात, अरे जब यहाँ हिंदुस्तान के लोग सब मान रहे हैं तो वो तो अप्रवासी भारतीय हैं और उसमें अधिकतम गुजरात के ही लोग थे जी। तो स्वाभाविक रूप से जब ये देख रहे हैं कि हमारा देश मोदी के नाम पर मजबूत हो रहा, चाहे जो कुछ बाकी और सब चीज़ों को अलग रख कर जी, महंगाई है, सारी चीज़ें उनको भी हम लोग सब सहे जा रहे हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कह करके, तो वहाँ के भी अप्रवासी भारतीयों को भी लग रहा कि जब हमारे देश का बिल्कुल उन अप्रवासी भारतीयों की हम बात कर रहे हैं। मोहित जी, कल का अगर आपने भाषण देखा होगा वो पूरा सीधा लाइव जो तस्वीर है अगर किसी भी चैनल्स पर देखी होंगी, किस तरीके से वो लोग वोरा समाज से मिले, उन्होंने सिख समुदाय से मुलाकात की, उन्होंने अपनी मांगों को रखा, तो वो मर्म वाकई में दृष्टा। अगर थोड़ी देर को राजनीति हटा दीजिए या दिल से, मुझे लगता है आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा देश में शायद पहले कभी नहीं हुआ, वाकई में हमारे देश के लिए गौरव की बात है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका जैसे देश में एक अच्छी पब्लिसिटी पाई है, एक अच्छी अप्रवासी भारतीयों को कन्विंस किया है, चाहे वो वोट के पर्पस से, चाहे व्यवहार के नाते, चाहे वो व्यापार के नाते, चाहे डिफेंस डील के नाते, मगर अभी कोई चीज़ आई नहीं। हाँ, मोदी ने जाकर के विदेश में, अमेरिका में, हर जगह जहाँ जाते हैं प्रवासी भारतीयों को की मीटिंग शुरू से करते आए हैं, 2014 से करते आए हैं। मैं सिंह साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर इनकी पार्टी के नीतियों के अनुकूल कोई ना बोले तो वो पाकिस्तानी है, कोई ना बोले तो वो इमरान की मदद कर रहा है, वो देशद्रोही है, ये सब कहने की बात है। जो चीज है अब क्या मतलब, ठीक है, नहीं मतलब कहने की बात ये कि आपकी पार्टी के विरोध में वो ना बोले, आपके जी वही मैंने कहा, 10-12 लोग मैंने, आपने देखा नहीं, मैंने यही सवाल अजय जी से किया, मैच 10-12 लोग विरोध कर रहे थे जी, 10-12 हजार बोले जी जी जी, नहीं वो थोड़े से बहुत मैच, थोड़ी संख्या की विरोध कर रहे थे जी, मैं जितने अंदर थे उतने ही बाहर थे जी, और गो बैक का नारा लगा रहे थे जी। तो ये चीज भी आनी चाहिए। वो एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, मानवाधिकार के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर लोगों ने मना कर रखा था, वो नीति बनी थी, मगर मोदी जी जो कुछ कर दें तो उसका क्लेरिफिकेशन, उसका जस्टिफिकेशन घूम फिर करके लोग बहुत बेहतर देते हैं। नहीं, वो यही नहीं होता, जो 70 सालों से पुराने जो पड़े, चाहे वो ट्रिपल तलाक को, क्योंकि बड़े फैसले का स्वागत करने वाला, मैं 370 का स्वागत करने वाला आदमी हूँ, मगर जो वहाँ अभी तक एक चीफ मिनिस्टर को, सारे चीफ मिनिस्टर को कैद कर रखा गया है, वो बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो ना टेलीफोन सही हुआ है, ना इंटरनेट सही हुआ, ना मोबाइल सही हुआ है, ये क्यों नहीं? वो कश्मीरी पहले भारत के है, वो भारत के है, सही था या गलत था? हटाना सही था, मगर तरीका गलत था जी, तरीका गलत। सर, अगर आप जैसा तरीका अगर जो कांग्रेस जैसा फॉलो करता तो शायद वो अभी भी संभव नहीं हो पाता। बंदूक के समय में समस्याओं का
समाधान नहीं होता है। बंदूक के साए में, पत्थर चला रहे हैं तो गलत है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है जी। नहीं, पत्थर चला रहे तो भी गलत है, की बात की जाती है तब तब देखिए गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं ये सब पेड़ है, अजीत डोभाल साहब जब जाते हैं ये तो पार्टी की मानसिकता है। आलोक जी 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 अब आप मुझे फिर मुझे ओपी सर से भी आना बात करना, ठीक है? मैं ये कह रहा था कि कश्मीर में 370 का बखान जाकर के अमेरिका में किया गया, 370 का स्वागत सबने किया है। हाँ। मगर 370 के को हटाने के बाद वहाँ कश्मीर में जो स्थिति है वो आप गए, आप गए मोहित जी, आप गए, आपने जाकर के देखा क्या वहाँ पर हालात? जब अजीत डोभाल साहब भी जाते हैं, जब शांति की तस्वीरें वायरल होती है, तब गुलाम नबी आजाद साहब खुद ही देखे कहने लगते हैं कि सब पेड़ है, सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जा रहे हैं। गए ना जी, गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकार ने तो नहीं दिया, सरकार ने इजाजत नहीं दी। और अभी अरे कश्मीर की अब पीओके की बात करिए, भूल जाइए अब आगे की, थोड़ा आगे की बात करिए जी, अब आगे की बात करिए। स्वागत करेंगे लेकिन कभी पहल नहीं करी, कभी पहल नहीं करी। अगर शायद कभी जहन में वो विजन में होता तो पहल कर देना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मामले में इमरान अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, और जो चीज हिंदुस्तान के अंदर है उसको अगर विपक्ष बोलता है तो उसके इमरान से सवाल इसलिए मोहित जी उठते हैं कि राहुल गांधी भी इमरान खान की भाषा बोलते हैं, तभी सवाल उठता है जी। एक उदाहरण दे, राहुल गांधी ने जी क्या क्या नहीं कहा, आप ही के कांग्रेस गुलाम नबी आजाद साहब ने, अधीर रंजन साहब ने क्या कुछ कहा, क्या नहीं कहा कि राहुल गांधी ने लिए लोकतंत्र की हत्या है, किसी ने सब कुछ बयान दिया है। अधीर रंजन साहब ने तो वो देखा कि सदन में सोनिया गांधी तक देखने लगी और बौचक की रह गई थी, वो तस्वीर नहीं आपने देखी थी क्या? हालांकि यूएन में भी उसकी अवहेलना हुई, तब राहुल गांधी को यूटर्न लेना पड़ा जी। साहब को एक मैं मोहित अहमद को मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ये पवन जी भी और अजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब धारा 370-35 से हटाने की बात आई और पाकिस्तान बौखलाया और यूएनओ में जाकर के उसने अपील किया, तो उसने जो 7 पॉइंट दिया है उसमें एक पॉइंट उसने ये दिया है दूसरे नंबर पर कि भारत के प्रमुख कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यह बात कही है कि 370-35 से हटाने के नाम पर वहां मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है और कश्मीरियों को सताया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। आप ये बताइए, नहीं राहुल गांधी ने नहीं किया, नहीं रंजन का आपने, चलिए 370 हमारा मुद्दा नहीं है, चलिए ठीक है, मैं अमेरिका के दौरे की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए सर एक एक करके ओपी जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है, सुनिए, अरे भाई सुनिए, दूसरे छोड़िए सोनिया गांधी, जो भी कुछ मैं आपके याददाश्त में बताना चाहूंगा कि कल का जो सीन था अमेरिका में देश की आजादी के 70 साल बाद, अच्छा न तो सुनिए, न तो अमेरिका ने किसी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से स्वागत किया था, न तो भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का अमेरिका में स्वागत हुआ जी। यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अप्रवासी भारतीयों को आप देखे होते, आप 370 की बात कर रहे हैं, वहां जो चैनल चल रहे थे वो जब कश्मीरी पंडितों से मिल रहे थे, उनसे मिल रहे थे सारे लोगों से, इतना लोग खुश थे 370-35 से कहने पर कि जिन लोगों ने टीवी देखा होगा वो किस प्रकार से मोदी जी को और उनको लेकिन मोदी जी ने जो देश की उपलब्धि बताई, उन्होंने कहा कि इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। यह जो उपलब्धि है, विकास है, सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी, संकल्प से सिद्धि, न्यू इंडिया जी। जो हम आर्थिक रूप से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से विकास कर रहे हैं, वो देश के लेकिन मोदी की इस लोकप्रियता का ट्रंप को कितना फायदा मिलेगा? अब सवाल घूम फिर के आता है क्योंकि अब हम आगे की बात कर रहे हैं। देखिए अब ट्रंप इसका कितना फायदा ले सकते हैं, सवाल यहाँ नहीं है कि वो इसको किस तरह से कैश कर सकते हैं, ये ट्रंप पर निर्भर करेगा। अगर वो अपनी उनकी दिमाग में वही व्यापारी, क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी वो ट्रंप के बारे में हम हाँ सब जानते हैं कि वो पहले अपना व्यवसाय देखते हैं, लेकिन मोदी जी के आने का वो कितना कैश और किस ढंग से करते हैं ये उन पर निर्भर करेगा। जहाँ तक अप्रवासी भारतीयों की बात है, जिस तरह से मोदी ने उनसे अपील की है, वो निश्चित रूप से इस चुनाव में ट्रंप का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों को जो वहाँ सुविधाएँ मिलनी शुरू हो रही हैं और चाहे आपसी सामंजस्य से आपसी, तो वो भले के लिए
अप्रवासी भारतीयों का ही लाभ होगा जी, तो स्वाभाविक देखिए सीधा सीधा पवन जी नहीं लगता कि ट्रंप को फायदा, क्योंकि बड़ी संख्या में अमेरिका में मौजूद भारतवंशी अब ट्रंप अगेन पर अपनी मोहर लगा सकते हैं सीधे तौर पर? नहीं नहीं, देखिए मुझको लग रहा है कि ये ट्रंप ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तो जरूर ये इस चीज को एक्सेप्ट किया और वो मोदी मॉडल को फॉलो करने की बात सोचने लगे हो तो अलग बात है, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि यूएस का इलेक्शन बहुत बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, बहुत वाइडर इलेक्शन है जी। और 50,000 वोट या 2,00,000 वोट के लिए ट्रंप नहीं आया है और ना ही मुझको लगता है कि कोई डिसिसिव टर्न अराउंड हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अब आप देखिए कि परसों जो है जब मोदी जी पहुंचे थे तो वहां उन्होंने तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात उनकी हुई, तो वो अपनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के हित को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं और मुझको नहीं लगता है कि हालांकि वहां पे उन्होंने एक जोश में वो बात कही है कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का यूएस की राजनीति में ऐसा कोई दखलंदाजी नहीं होगी और ना ही कोई डायरेक्शंस होंगे, ये मेरा अपना बहुत स्पष्ट मानना है। मोदी की सोच को आप समझ पाए ये मुमकिन नहीं है जी। लेकिन कुल मिलाकर भारतवंशी एक बार फिर से बनाएंगे क्या ट्रंप सरकार, ये भी सवाल उठ रहा है, और मोदी की लोकप्रियता का ट्रंप को कितना फायदा मिलेगा सवाल ये भी उठ रहा है, और वीजा नियमों में क्या ढिलाई बरती जाएगी? अजय जी लगातार इस सवाल को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अब इतने सारे जो भारतीय उनका सीधा सीधा फायदा मिल सकता है, तो वोट बैंक के नजरिए से मैं इस सवाल को पूछ रहा हूँ आपसे। वीजा के मामले में कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम इनके नियमों को जो है वो करेंगे और अमेरिका प्रशासन से भी कहेंगे कि इसमें सहूलियत बरसे, लेकिन एक चीज़ है, ये चुनाव है, अगर अमेरिका का चुनाव हुआ और खुदा ना खास्ता ट्रंप साहब नहीं जीत पाए, उनके अपोजिट रिपब्लिकन पार्टी का कोई जीत गया, तब क्या स्थिति होगी? ये एक बहुत नहीं फर्क पड़ने की बात नहीं है, लेकिन उन भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में कि आप तो आकर के प्रचार कर गए थे और जिसके पक्ष में प्रचार किया वो हार गया, वो हार गया और दूसरा विरोधी जीत गया, तब इन अप्रवासीय भारतीयों के प्रति देखिए बहुत सीधी ये राजनीति पहले भी तो यही हुआ था, नहीं होना अपने तब इस तरह से जाकर के प्रचार नहीं, तब इतने बड़े पैमाने पर नहीं, इतना पैमाना तो समय के हिसाब से बढ़ता जाएगा, लेकिन जो जब 2014 में इस टाइप का डायस्पोरा हुआ था, इस टाइप की गैदरिंग हुई थी, वो भी सर, लेकिन पवन जी 2014 में हालात परिस्थितियां दूसरे थे, आज 19 की अब हालात परिस्थितियां बदल चुके हैं, अब आप खुलेआम अगर प्रचार कर रहे हैं और खुदा ना खासा मैं नहीं कर रहा हूं। अजय जी बार बार वहां बोल रहे थे अब की बार मोदी सरकार, उस पर बल्कि उन्होंने मोदी जी ने कमेंट भी किया, ठीक है, लेकिन उसके उसके एवज में उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, दूसरा समझ करके सही ढंग से किया, सोच समझ कर ही कहा होगा, बिल्कुल सोच समझ, दूसरी बात यह कि आप अगर संयोग से या दुर्भाग्य से उसका देखिए देश का जो देश की मित्रता, ये केवल ट्रंप और मोदी की मित्रता नहीं है, ये भारत और अमेरिका की मित्रता, देखिए और दोनों अपने अपने हितों को देख, 2014 बराक से भी मित्रता थी, बराक ओबामा मोदी जी के साथ थी, बराक ओबामा से जो केमिस्ट्री थी वह अतुलनीय थी, बराक ओबामा हार गई, ट्रंप आ गए तो नई केमिस्ट्री हो गई, तो क्या ट्रंप और ट्रंप हारेंगे दूसरी पार्टी आएगी, फिर उसी ढंग से मोदी जी अपनी जो भी मजबूत राष्ट्राध्यक्ष होगा चलिए फिलहाल जब हम अगर पाकिस्तान की अब बात करते हैं, पवन जी मेरा अब सवाल ये कि मोदी और ट्रंप मिलकर के पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं? जवाब देने की जरूरत भी है क्या जी? जवाब देने की जरूरत भी है क्या? शायद इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान जो है वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसको भी देखिए आज विश्व स्तर पे जो विश्व के बड़े जितने बड़े देश हैं जी, एक चाइना को छोड़ के वो भी आंशिक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा, वो भी पीओके वाले मैटर को लेकर के, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। आज हर दुनिया कह रही है
कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जी, लेकिन इसके बावजूद भी वो न्यूक्लियर बम से हमला करने की धमकी दे रहा है बार बार, विडंबना तो ये है सर। अगेन वो उसकी गीदड़ भक्की है और वो ये जानता है पाकिस्तान, हमको ये देखना है कि पाकिस्तान देश कितने समय तक अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है और कितने समय तक अपने को विभाजन से बचा सकता है। केवल पाकिस्तान की राजनीति में बाहर से देखने के लिए केवल अब यही बचा है। शायद आप ये समझ रहे हैं कि इमरान कहे नहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, अरे जब तक वो ये बोलेंगे नहीं उनके देश की जनता कैसे उनके साथ रहे, ये तो उनको कहना ही है। और ये भी कहना है कि हम कल हमला कर देंगे तो भारत को जीत लेंगे, ये बात दूसरी उन्होंने कहा कि हम हार भी जाएंगे, स्वाभाविक है। अरे तारीख की बात मत करिए, देखिए ओपी जी तारीख तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कोर्ट के फैसला आने से पहले राम मंदिर की बता चुके हैं, नवंबर में ही आएगा जी। जी पहली चीज, दूसरी चीज ये आलोक जी मेरा कह रहा है, लेकिन इतने छोटे मंत्री भी नहीं है। सुनिए पाकिस्तान मुद्दे पर, क्या आपको नहीं लगता कि कल के कार्यक्रम से पाकिस्तान जो है वो जलभुन गया और हतोत्साहित हो चुका है? जिस प्रकार से ट्रंप ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खुलेआम कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका आज एक साथ है, सामना करेगा, क्या अब भी लगता है कि पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो जो आतंकवाद, ये भी कह दिया कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, जितने भी आतंकवादी पैदा हुए, बल्कि वहां पर मोदी जी ने चर्चा 9/11 और 26/11 के भी किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान पर हमला हुआ, किस तरह से भारत में हमला हुआ, वो करने वाले लोग कौन थे, किस देश के थे, उन्होंने सांकेतिक भाषा में ये सारी बात कह दिया। और वहां के ट्रंप ने भी तो स्पष्ट कह दिया कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सामना करने के लिए मजबूती से भारत और अमेरिका एक साथ चुनौती देने को तैयार, क्या इसके बाद आपको अब इससे ज्यादा लगता है कि वो अच्छा मोहित जी एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर नहीं लगता इतनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को लेकर के बात हुई, वीजा नियमों की बात हुई, चुनाव की बात हुई, इतनी लोकप्रियता दिखी, पूरा भारतीय संगीत से पूरी तरीके से माहौल था उत्प्रोत, लेकिन विपक्ष ने एक बार भी नहीं कहा कि मोदी ने देश की लोकप्रियता को बढ़ाया, वहां पर देश के गौरव को बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए इस वक्त मोदी के साथ दुनिया का करीब करीब हर देश है और वो इसकी वजह यह है कि 21वीं सदी का देश है, इसमें सब देश के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत एक अच्छा उनके लिए अच्छा सौदा होगा, अच्छा व्यापार होगा, अच्छी आर्थिक स्थिति एक दूसरे की बनेगी, तो? इसलिए पूरा देश पाकिस्तान को छोड़िए वो तो मिटा हुआ देश है, उसके बारे में बात करना ही बेकार है, मगर एक इसलिए पहले लोग दूसरे नजरिए से सोचते थे, आप किस नजरिए से सोचते हैं भाई, विरोध तो बराबर आप लोग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने सब चीज का विरोध किया, कांग्रेस का ये भी विरोध था, आप ही ने कहा कि भी घंटों इंतजार करना पड़ा, किस तरीके से 370 की बात जाकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या करने की जरूरत थी, पाकिस्तान ने तो हर बात पर विरोध किया भाई, जब अपनों के बीच मिले कश्मीर पंडितों से मिले तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, उसमें क्या हर्ष है जी, संविधान नहीं करता कि वहां 370 की बात, कोई मंच से नहीं कराता ये समझिए, कोई कोई अंतरराष्ट्रीय मंच से नहीं किया था, कश्मीरी पंडितों से मिले जिन्होंने दर्द देखा, जिन्होंने दंश झेला, उनसे बात की ना, देश में जाकर के 370 की बात कर सर अपनों के बीच की थी, मंच से नहीं की थी, किसी फोरम में नहीं की थी, इस बात को देखिए जी, मुझे ये बताइए सर, चलिए पार्टी के मन में है दो को बात तो ऊपर सामने आ ही जाएगी ना, वो बेचारे 370 का विरोध कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि 370 और 35 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी को। चलिए एक एक फाइनल कमेंट में पवन जी मैं आपसे, ठीक है सर हो गया पवन जी, जो जिस जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच से 370 की बात जिक्र किए करना चाहिए कि नहीं मुझे आप बताइए सर, आ रहा हूँ सर खत्म हो रहा, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूँ, चलिए पवन जी फाइनल कमेंट लगे। हाँ हाँ ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिबेट का विषय नहीं है, वो कर गया है और आपके कहने से वो चीज अब अंडू हो नहीं सकती है, और जो उसने किया है उससे भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है जी। अजय जी एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के अब बात करें तो
आतंक को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इमरान खान को एक संदेशा गया है। और कुल मिलाकर के जो ट्रंप ने एक मंच साझा कर तमाम सारे संदेशे दे दिए हैं। इमरान को तो मैसेज कर ही चला गया कारपेट देख करके, क्योंकि एक मीटर की है और ये 50 मीटर की थी, वो तो एक अलग की बात। लेकिन एक मैसेज जो गया है चाइना को भी गया, ऐसा नहीं, इसके बाद सबसे बड़ा मैसेज चाइना को गया कि वो जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर रहा है उसको भी एक संदेश गया है कि अब हमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भारत के साथ रिश्ते अपने मधुर रखे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल जो कुछ हुआ उसमें मोदी की साख बढ़ी है, भारत की साख बढ़ी है, अपने देश की, भारत की साख है। पवन जी एक फाइनल कमेंट, कुछ अपनी बात रखना चाह रहे जल्दी से। कल के इस प्रोग्राम और ये मोदी की जो विजिट है, इसमें सबसे बड़ी थ्रेट चाइना को ही है। जो आज चाइना और यूएस का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो अब कहीं ना कहीं एक डेंजर में आता जा रहा है, और भारत और यूएस की जो संबंध बढ़ रहे हैं उसमें एक नई बिजनेस की मिसाल पैदा होगी और नए बिजनेस के आयाम स्थापित होंगे, ये मेरा मानना है। और चाइना अब जो जैसा कहा गया कि अब वो डर रहा है, तो वास्तव में चाइना ने जिस ढंग से यूएस की मार्केट्स को डोमिनेट किया हुआ था, कहीं ना कहीं चाइना पे डेंट पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, मोहित जी आपका भी, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन धवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच साझा कर संदेश दिया कि भारत अमेरिका के सपने साझा हैं, दोनों देशों की मित्रता नई ऊंचाई पर है। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए।